क्यों सलमान खान छाए हैं इन दिनों सुर्खियों में? क्या सलमान खान की पहली सैलरी 750 रुपए थी और सलमान खान की पहली पिक्चर मैंने प्यार किया के लिए उन्हें कितनी फीस मिली थी? बॉलीग्रेड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान स्टारर फिल्म अंतिम से जुड़े अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक हैं। अब तक न जाने सलमान खान ने इंडस्ट्री को कितनी ही हिट और सुपर हिट फिल्में दी हैं। वहीं सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म अंतिम को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। इस फिल्म से सलमान खान का लुक भी आ चुका है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनके जीजा यानी कि आयुष शर्मा भी लीड रोल में हैं। और ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है। आज स्टारडम के पीक पर खड़े सलमान खान सबसे ज्यादा फीस लेने के मामले में सबसे आगे हैं। भले ही सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं करती, लेकिन इससे सलमान की ब्रांड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान खान अपनी हर मूवी के लिए 60 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। आज स्टारडम एंजॉय कर रहे सलमान खान ने अपने उस दौर के बारे में खुलासा किया जब उन्होंने 75 रुपए के लिए भी काम किया था। सलमान खान ने हाल ही में न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया है और इस दौरान सलमान खान ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कई सारी बातें की है। सलमान खान ने इंटरव्यू में बताया कि उनकी पहली सैलरी महज 75 रुपए ही थी और ये उन्हें किसी फिल्म में एक्टिंग करके नहीं, ये उन्हें ताज होटल में किसी शो में डांस करके मिली थी। सलमान ने बताया कि ताज होटल में उनके कुछ दोस्त डांस कर रहे थे और वे उन्हें वहाँ फन के लिए ले गए थे। इसके बाद उन्हें कैंपा कोला ब्रांड के लिए 750 रुपए मिले और लंबे समय तक उन्हें 1500 रुपए मिले। इसके बाद इंडस्ट्री में भी काफी लंबे समय तक उन्हें 1500 रुपए मिले। इसके बाद सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया के लिए उन्हें 31,000 रुपए मिले थे। सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो अंतिम के अलावा फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में नजर आने वाले हैं। फिलहाल तो वे अभी अंतिम की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में उनके जीजा आयुष शर्मा के अलावा साउथ इंडियन सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री प्रज्ञा जायसवाल भी लीड रोल में नजर आएंगी। प्रज्ञा जायसवाल ने कई सुपरहिट तेलुगु फिल्में दी हैं। वहीं फैंस भी एक्टिंग की जमकर तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि सलमान खान ने इस फिल्म अंतिम के लिए कितनी फीस ली होगी और कितना है आपको इस फिल्म का इंतजार? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।